और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रदेश के मुखिया द्वारा जैसे ही शासन को भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का आदेश मिला, वैसे ही शासन प्रशासन मुस्तैद होकर भूमाफियाओं तत्परता से कार्यवाही शुरू हो गई है। स्थानीय गुरुधाम कॉलोनी में एक ही प्लाट को चार बार बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कॉलोनाइजर को हिरासत में ले लिया है, आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने रानीपुरा निवासी वकील मनोज तिवारी की शिकायत पर कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता को हिरासत में लिया है। वकील मनोज तिवारी निवासी रानीपुरा बड़वानी ने थाने में की गई शिकायत में बताया कि उसने गुरुधाम कॉलोनी बड़वानी में 1200 वर्ग फीट का प्लाट 16 लाख रुपए में आशीष गुप्ता पिता ओम प्रकाश गुप्ता निवासी लोहारी थाना कुक्षी जिला धार से क्रय किया था, लेकिन बाद में पता चला कि आशीष गुप्ता ने यही प्लाट तीन अन्य लोगों को, जिसमें अंजड़ की मधुबाला पाटीदार, बड़वानी का शैलेंद्र गुप्ता, गणपुर कुक्षी गजानन पाटीदार, सुसारी के देवराम पाटीदार को यह प्लाट बेचा था, जिस पर थाना प्रभारी राजेश यादव द्वारा आशीष गुप्ता के खिलाफ अपराध धारा 420 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। एसपी डीआर तेनीवार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित की गई। टीम ने लगातार प्रयास करते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान करते हुए उसे गणपुर चौकड़ी निसरपुर से गिरफ्तार किया। आशीष गुप्ता ने गुरुधाम सिटी के नाम से एक कॉलोनी बड़वानी में डेवलप की है, अतः आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर इसके द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ कर रही है। जिला पंजीयक कार्यालय से रिकॉर्ड लेकर इस संबंध में और पता किया जा रहा है कि उसने और कितने अन्य व्यक्तियों को प्लाट इस प्रकार बेचकर धोखाधड़ी की है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। श्री मनोज तिवारी जो जिला कोर्ट में वकील हैं, उन्होंने थाने आकर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि आशीष गुप्ता निवासी लोहारी कुक्षी क्षेत्र के जो रहने वाले हैं, इनसे उन्होंने एक प्लाट खरीदा था। आशीष गुप्ता जो है, उन्होंने गुरुधाम कॉलोनी डेवलप की, उसी कॉलोनी में इन्होंने 60x20 का एक 1200 स्क्वायर फीट का प्लाट लिया था, जिसकी कीमत करीब 16 लाख थी। 16 लाख रुपये जो है वकील मनोज तिवारी जी ने उनको आशीष गुप्ता को पे कर दिए थे, लेकिन जब इसकी रजिस्ट्री कराई गई तो रजिस्ट्री के दौरान वकील साहब ने पूरा सर्च किया उसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, तो उनको पता पड़ा कि यह प्लाट तो तीन अन्य लोगों को, कोई अंजड़ की मधुबाला पाटीदार जी हैं, इसके अलावा सुसारी कुच्छी, उन लोगों को भी बेचा गया है। तो उस आधार पर पूरा जब उनको लगा तो उन्होंने धोखाधड़ी का केस रजिस्टर कराया और उसको पुलिस ने जो है 420 का अपराध पंजीबद्ध किया और एसपी श्री डीआर तेनीवार सर ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस उन्हीं के निर्देशों के तहत जो है आरोपी आशीष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आशीष गुप्ता ने लगातार उसने पूछताछ की जा रही है कि आशीष गुप्ता ने इस प्रकार से और कितने अन्य लोगों को ऐसे प्लाट बेचे हैं, उसकी जानकारी जो जिला पंजीयक कार्यालय से ली जाएगी कि ऐसे कितने प्लाट है कि एक ही प्लाट की रजिस्ट्री कई लोगों के नाम से कर दी गई है, उस आधार पर भी कार्रवाई करेगी। सर, कौन सी जगह पर इसने एक ही प्लाट की रजिस्ट्री की, कौन सी कॉलोनी में? यह तो गुरुधाम कॉलोनी जो है यहाँ पे बड़वानी में है, उस कॉलोनी में प्लाट दिया था। इसमें रजिस्टर कार्यालय की कुछ भूमिका संदिग्ध लग रही है? नहीं, अभी तो ये जाँच का विषय, जाँच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।